लगन कार्यक्रम में खाने की प्लेट को लेकर हुई मामूली विवाद में चाकू भी चल गए, जिसमें लड़की के फूफा की हत्या हो गई। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली का है, जहां एक लगन के कार्यक्रम के दौरान खाने की प्लेट को लेकर हुए विवाद में एक शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर मुख्य आरोपी भगवान दास को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक नवाबगंज थाना क्षेत्र के गाँव वारकरगंज में बीती रात लालता प्रसाद के बेटे रणवीर कश्यप के लगन का कार्यक्रम था। इसी दौरान खाने की प्लेट को लेकर लड़के पक्ष के भगवान दास और उसके अन्य चार साथियों ने शराब के नशे में लड़की के फूफा मनसाराम की चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना से गांव में हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि इस घटना में चार अन्य भी घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हम लगन चढ़ाने गए हुए थे, वहाँ पे हम जाके बैठ नहीं पाते, तब तक जो गाँव वालों ने ईंट पत्थर बरसाने चालू कर दिए और कहते हैं चाकू लेके हम पे डट गए, जिसमें मेरे तो उसमें कोहनी में चाकू लगा और जो हमारे फूफा जी थे उनके इसमें उनको वहीं पर ढेर कर दिया उन्होंने। कल दिनांक 17/5/2021 की रात्रि में थाना नवाबगंज के ग्राम बाकरगंज में लालता प्रसाद के बेटे रमेश कश्यप का तिलक लेकर गुड़वारा थाना बहेड़ी के रामकुमार कश्यप आए थे। रात्रि में खाने के टाइम पर विवाद में लड़के पक्ष के भगवान दास तथा उनके साथियों ने शराब के नशे में लड़की पक्ष के फूफा मनसाराम को चाकू से मार दिया, जिनकी मौके पर मृत्यु हो गई। इस प्रकरण में लड़की पक्ष के ही चार अन्य लोग भी घायल हुए हैं। इस संदर्भ में थाना नवाबगंज में 302 IPC का मुकदमा भगवान दास तथा चार अन्य लोगों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है तथा मुख्य अभियुक्त भगवान दास को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। शेष चार अभियुक्तों की गिरफ्तारी को संदर्भ में प्रयास जारी हैं। जो घायल हैं उनको जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। मौके पर शांति है, एहतियातन पुलिस का बंदोबस्त किया गया है। थैंक यू। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।